एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस बार मैं बनाने वाली हूँ घर के बचे कुचे कबाड़ से क्राफ्ट। एक्चुअली घर पे कुछ ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो यूज़ नहीं होते, नॉर्मली उसे हम लोग फेंक देते हैं। तो ये एक डोर हैंगिंग आइडियाज है। एक्चुअली ये दिवाली के टाइम पे मैंने ऑलरेडी बना रखा था, लेकिन टाइम और का शॉर्टेज होने की वजह से और प्लस वीकली ही मैं वीडियो डाल पाती हूँ, उस वजह से वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाई। तो उसी वीडियो को आज मैं अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ, प्लीज़ उसको बहुत सारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए हर दिन कुछ नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हम पुराने चीज़ों को या घर के क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके हम ये क्राफ्ट बना रहे हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेस्ट कार्डबोर्ड अपनी डोर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके। तो वेस्ट कार्डबोर्ड जो होती है उतनी लंबी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दो भागों में बांटा है और मास्किंग टेप के हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ, ताकि जब इसको हम हैंग करें तो ये ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, क्योंकि मास्किंग टेप बहुत ही अच्छी टेप होती है। जब प्लाई वर्क वगैरह भी होता है ना, तो ये पूरा टेप उसी में यूज़ भी होता है। तो ये पूरी तरह से मुझे फिटिंग करनी है ताकि वो अलग अलग ना हो सके। तो मैं फिर ले रही हूँ एक येलो कलर के कपड़े, जिससे मैं इस कार्डबोर्ड को पूरी तरह से कवर करूँगी, वो भी ग्लू गन के हेल्प से। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर के फैब्रिक ले सकते हो, और मैं इसको ग्लू गन के हेल्प से पूरी तरह से पेस्ट करूँगी। उसके बाद मेरे पास कुछ बचे कुचे लेस थे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्राफ्ट वर्क करती रहती हूँ, तो उसी में लेस बच गए थे, तो उसी से मैं डेकोरेट भी करूँगी। ग्लू गन के हेल्प से उसको पेस्ट करूँगी ऊपर के पार्ट्स में भी और नीचे के पार्ट्स में भी। बैक साइड मैंने इस तरह से इसलिए किया ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्शन में रह सके, ताकि वो खुले नहीं इन फ्यूचर। और यहाँ पर मैं फिर से अगेन पेस्ट कर रही हूँ एक सुंदर सी लेस, वो भी कलरफुल वाली। येलो के साथ अगर आप कोई भी कलर ऐड करो ना, तो वो बहुत ही सुंदर ही दिखती है। फाइनली ये हमारा पूरा अच्छे से पेस्ट होने के बाद इसके लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। ये इतना लंबा हो गया था ना कि मुझे बार बार लेफ्ट और राइट करना पड़ रहा था। अगेन मुझे सर्कल कार्डबोर्ड को काटना पड़ा है। उसके बाद इसमें मैं वेलवेट जो फैब्रिक होती है ना, उसको मैं ग्लू गन के हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। जब सर्कल शेप आपको कटिंग करनी होती है, उसमें पेस्टिंग करनी होती है ना, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो सीजर के हेल्प से मैंने थोड़े जो साइड कॉर्नर कट किया, ताकि सर्कल शेप अच्छे से कवर हो सके। साथ में मेरे इंस्टाग्राम लिंक को भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहती हूँ। सर्कल शेप हमारा बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे गोटा पट्टी, जो कि बहुत ही अच्छी दिखती है जब हम किसी चीज़ में इसे पेस्ट करते हैं, एक शाइनिंग लुक लाता है। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को मैं ग्लू गन के हेल्प से कट करके पेस्ट कर रही हूँ, ताकि इसकी लुक बहुत ही सुंदर और अच्छी भी बन सके। फिर यहाँ पे फिनिशिंग लुक देने के लिए सर्कल वाले एरिया में अगेन मैं एक लेस का यूज़ कर रही हूँ, वो भी ग्लू गन के हेल्प से, ताकि वो और भी सुंदर दिख सके और भी ब्यूटीफुल सा लगे। जब ये तोरण को मैं बना रही थी ना, तो ये मतलब आज दिवाली है तो कल मैं इसे बना करके कंप्लीट करी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, प्लस हमारे घर पे छठ पूजा था तो उसके भी पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो जिस वजह से मैं वीडियो भी इतने लेट से अपलोड भी कर रही हूँ।
फिर यहाँ पे मैंने एक फ्लावर को पेस्ट किया और ये मुझे अपने तोरण के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 7 पीसेस to 8 पीसेस बनाए हैं टोटल्स। फिर मैं यहाँ पे ऊन ले रही हूँ, ऊन से मैं बनाऊँगी लटकन जो हमें टेशल की तरह काम करेंगे लटकाने के लिए। और इसी में हमें चाहिए थोड़ा सा बेल यानी घंटी, फिर कुछ चाहिए बीडेट्स यानी मोती, ये और ये निडल के हेल्प से मैं सारे को हैंगिंग वाली करूँगी और साथ में उसको ग्लूगन के हेल्प से बैक साइड में उसके पेस्ट करूँगी। बाकी आप देखते चलो कैसे कैसे मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बस घर के कुछ ऐसे सामान को यूज़ करके मैं इसे बना रही हूँ। पॉम्प अप की हेल्प से अगेन मैं एक और लटकन बना रही हूँ जहाँ मुझे पेस्टिंग चाहिए उस सर्कल वाले शेप के एरिया में। बारी आती है इसमें सारे चीज़ों को अच्छे से पेस्टिंग करने की, तो उसी वेलवेट पेप जो मेरे पास फैब्रिक था उसे मैंने बहुत सारे टुकड़े टुकड़े बचे हुए थे, तो उसी के हेल्प से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पेस्ट करूँगी ताकि वो अच्छे से हैंग हो सके। तो पहले मैंने ये सर्कल वाला शेप को पेस्ट किया है और नेक्स्ट जो हमने टेस्टर बनाया था उसको। और ये जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कोट करनी है, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेस्ट करी हूँ एंड आप देखते जाओ कैसे कैसे बन रहा है। फाइनली ये सारी पेस्ट हो चुकी है अच्छे से और इतना सुंदर दिख रहा था, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था ना, कुछ कहना नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है कुछ पॉम्पम और कुछ ये गोटा पट्टी वाले फ्लावर्स, उसको भी मैं पेस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे यहाँ ना थोड़ा खाली खाली सा फील हो रहा था। और इसके बाद जो इसका आउटफिट आया ना, मतलब ये इतना सुंदर दिख रहा था और मैं जब इसको डोर पे हैंगिंग करी ना, वाकई बहुत सुंदर था। और फिर यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है, थ्रेड की हेल्प से मैं इसको हैंग करूँगी ताकि वो अच्छे से लटक सके डोर में। एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगती है, सब्सक्राइब जरूर करना एंड साथ में नेक्स्ट पार्ट के लिए इसी तरह मुझे फॉलो भी करते रहना। और बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। एंड थैंक यू।